अगली खबर में बात करते हैं खरगोन की, जहां बस स्टैंड पर सुबह उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने एक यात्री बस को रोक लिया। मंच कार्यकर्ताओं का कहना था कि बस में आदिवासी समाज के विद्यार्थियों को धर्मांतरण के लिए ले जाया जा रहा है। बस में दो सिस्टर भी सवार थी। हंगामा बढ़ने पर पुलिस बस को थाने ले जाया गया, जहां करीब 2 घंटे चली पूछताछ के बाद शिकायती आवेदन लेकर जांच शुरू की। हालांकि ईसाई मिशनरी से जुड़ी महिलाओं ने खंडवा में होने वाले आयोजन के लिए एसडीएम की अनुमति दिखाई। मंच के भगवान बडोले ने बताया, वनवासी अंचल में शिक्षा और पैसों का लालच देकर आदिवासी लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसे अभी तक कई लोग अपना धर्म बदल चुके हैं। ऐसे ही एक मामले का खुलासा सोमवार को हिंदू संगठन द्वारा किया गया। हमारी मांग है कि पुलिस पालकों की अनुमति और आधार कार्ड की जांच की जाए। पूरा सिखाते हैं ये ईसाई मिशनरी कार्यक्रम ले जा रहे थे, जोर जबरदस्ती के साथ ले जा रहे थे? नहीं नहीं, फिर अपने हिसाब से जा रहे, मतलब जाने के लिए कुछ दिया भी होगा ना? नहीं नहीं, अपने 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 खर्चे जा रहे हैं, अपने खर्चे से जा रहे हैं। ये दो मैडम, दो मैडम आई, ये कहाँ की और किसको ले जा रही है? वो तो काकड़िया में रहते हैं ना। हाँ, क्या नाम है उनका? क्या करते हैं? उनका नाम नहीं मालूम। चर्च में के लिए ले जा रहे? चर्च में है? हाँ चर्च। क्या करते हैं? वो चर्च में ऐसे काम वगैरह करती हूँ। नहीं, पर आप लोगों को ले जा रहे थे तो क्या करवाते हैं वहाँ? क्या काम क्या होता है आपका? कोई प्रार्थना करवाते हैं? प्रार्थना नहीं होती है, ऐसे डांस करवाते हैं। जो अच्छा डांस करता है उनको आगे ले जाते हैं, मतलब कहाँ आगे का ले नहीं ले जाते, मतलब जैसे गाने कोई जा कितने रहते साथ जा कितने 50 से 80 हाँ से बस की मैं या खरगोन से दो लोग जा रहे थे, ये कितने लोग आ रहे थे ये? अच्छा, खरगोन साहब पहले भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे तुम? मैं 4 साल हो गया। क्या सिखाते? क्या कहीं सिखाते? कुछ नहीं। मतलब क्या क्या करते हैं? एक मिनट भी तो ये अभी आकाश सुलिया तो वो बता के एक लड़का देवनल्ला इसका नाम क्या है? हिंदू इसकी बता रहे तो आप बताए कि क्या है रिलीजन उनका, क्या है आपका क्या रिलीजन है? ये गलत काम करना बंद कर दो। नहीं, बहुत कार्रवाई खतरनाक कार्रवाई होगी, बेफिक्र रहो। तुम्हारा उल्टा काम कर लिया, जो धर्म तो बदल तुम कहीं कर लिया जीवन बदल जीवन बदलने आदिवासी रोशन नहीं चाहिए। अभी सुबह सुबह से हमें जानकारी मिली कि कुछ क्रिश्चियन महिलाएं नन्हे मुन्ने नाबालिग बालक और कुछ वयस्क बालक को करीब 40 से 60 लोगों को लेकर बस स्टैंड से खंडवा की ओर जा रहे थे। हमारे हिंदू जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता तथा हिंदू धर्म जागरण के कार्यकर्ताओं द्वारा उनको रोका गया और थाने लाया गया है। ये खंडवा ले जा रहे थे इनको कुछ यूथ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को धर्म परिवर्तन करना या दिमाग को डाइवर्ट करने का काम कर रहे थे। ये क्षेत्र के बच्चे ये भगवानपुर तहसील के काकड़िया और बिलवा के। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम ये मांग कर रहे हैं कि इनकी उचित जांच हो और इनके पिता बालकों को बुलाया जाए और यहाँ पे जांच कराया जाए। उनके बालकों से कहा जाए कि सम्मति से जा रहे हैं या बिना सम्मति से जा रहे हैं। पुलिस से अभी चर्चा हुई है, एसडीपी साहब से एसडीपी साहब से मेरी बात हुई, बोले हमें लिखित में आवेदन दे दो, हम उसके लिए उचित कार्रवाई करेंगे। दे रहे हैं अभी हम लिखित में उनका आवेदन दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये कहाँ जा रहे थे धर्म? ये कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करने के लिए ही जा रहे थे और ये लगातार हमारे जनजाति क्षेत्रों में ये काम क्रिश्चियन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जनजाति सुरक्षा मंत्री लगातार मांग भी उठा रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंत्री लगातार मांग उठा रहा है और संविधान में 342 के अनुच्छेद में संशोधन की मांग भी कर रहा है लगातार, कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं इनका आरक्षण सूची से नाम डिलीट किया जाए।
अपने डिलिस्टिंग के लिए रैली भी महा रैली भी निकाली। उसी का परिणाम है कि आज ये लोग हमें बड़ी तादाद में पकड़े गए। क्या नाम है? क्या आवेदन कीजिए, क्या क्या मांगे रखिए, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि या तो ये एक तो इनके पालकों से हमारी बातचीत कराई जाए और इन सभी के आधार कार्ड लिए जाएँ, और एक हमें ये भी सूचना मिली कि SDM साहब की सम्मति से जा रहे हैं, उनको जानकारी में उनके लेटर जारी करा SDM साहब ने, हमें उस लेटर की कापी भी चाहिए।